अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम कैनवा के अंदर जो टॉपिक गो थ्रो कर रहे हैं, इट्स हाउ टू क्रिएट पैटर्न इन कैनवा। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट सर्च कर लिए हैं जिनको मैं एज अ पैटर्न यूटिलाइज करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले लिया, इसी के साथ साथ ये ऐड कर लिया। और सिंपल आप बहुत आसानी से इसको सर्च कर लीजिएगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ओके। सो इन तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें आप बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड देन कॉपी बना लें। रोटेट कर, ठीक है जी। इसी के साथ साथ कुछ और ऐड कर लेते हैं। दिस वन थोड़ा सा रिसाइज करेंगे एंड देन यहाँ कलर थोड़ा चेंज करेंगे इसका। ओके, तो ये कुछ मैंने पैटर्न बनाया है और मैं इसको शिफ्ट के साथ ग्रुप कर दूंगी। ये ना भी करें, सिंपल आप इसको रखें और देन शेयर पर आएँ और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लें सिंपल इन दी PNG फॉर्मेट। ठीक है, ये आपके पास एक डाउनलोड हो जाएगा। फिर डाउनलोड करने के बाद हम इसको अपलोडिंग पर आएंगे और यहाँ पर हम कुछ ग्रिड्स ले लेते हैं। एलिमेंट्स पर ओके, अब इन ग्रिड्स में मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। एक ग्रिड ऐड कर ली मैंने, इसकी स्पेसिंग जो है वो मैं फिनिश कर दूंगी लाइक दिस वे। अब जो मैंने पिक्चर अपलोड कर ली थी, मैंने डाउनलोड की थी, अब मैं इसको यहाँ पर अपलोड फाइल करती हूँ। ये कुछ इस तरीके से पैटर्न आ गया है आपका। तो आप यहाँ ड्रॉप करें एंड देन दूसरे वाले को आप यहाँ ड्रॉप करें, ठीक है जी। थोड़ा सा पैटर्न एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट, ये देखें, इट्स लुक लाइक अ पैटर्न वे। सिंपल अगेन, इसको भी आप शेयर कर लें एंड देन आप डाउनलोड करें और जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें। तो फिर अब ये एक इमेज बन गया आपका। अगर आपने अब कोई भी बैकग्राउंड लेना है, लाइक अगर मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ दोनों को, तो ये मेरे पास पेज है, ठीक है। अब अगर मैं अपलोड करती हूँ उस इमेज को दोबारा से अपने पास, ठीक है, तो वो मेरे पास एक पैटर्न फॉर्मेट में आ जाएगी और मैं जब भी यूटिलाइज करना चाहूँगी उस पैटर्न को तो मैं ईजीली एक्सेस कर सकती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से अगर आपने 4 पैटर्न्स बनाने तो सिंपल आप 4 पैटर्न्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से पैटर्न इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर। ये देखिए, सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।